नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा जाधवन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सड़कों पर एक बार फिर से किसान उतर चुके हैं। एमएसपी पर कानून गारंटी की मांग को लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन ने एक बड़ा ऐलान किया है कि कल यानी कि 15 फरवरी को पूरे पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। किसानों पर पुलिस की लाठीचार्ज के विरोध में ये फैसला हुआ है। किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियां भी उतर आई हैं। कांग्रेस ने तो ऐलान भी कर दिया है कि अगर सरकार बनती है तो किसानों को स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की गारंटी कानून देंगे। सीडब्ल्यूसी मेंबर सचिन पायलट ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। सचिन पायलट ने कहा कि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार की जिद है कि अपने अड़ियल रवैये के कारण लोगों का समाधान नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ने से पहले सचिन पायलट का ये बयान आप सुन लीजिए। ये जो लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार की जिद है कि अपने अड़ियल रवैये के कारण लोगों का समाधान नहीं हो रहा। हमने कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा करी कल खड़गे जी राहुल जी ने छत्तीसगढ़ के अंदर कि हमारी सरकार बनेगी तो हम एमएसपी को एक कानूनी प्रावधान बनाएंगे ताकि किसानों के साथ जो आज धोखाधड़ी हो रही है, उनको लागत के हिसाब से उनको अपनी फसल का पैसा नहीं मिल रहा है। हमने तो कमिटमेंट किया है, कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक कमिटमेंट किया है एमएसपी को सरकारी जमला पहनाकर लागू करने का। और ये केंद्र सरकार है जो किसानों के हितैषी बनती है, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके हितों को ताक पे रखकर तीन काले कानून बनाए, फिर डेढ़ साल एजिटेशन रहा, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, वो विड्रॉ करे, और ये कमिटमेंट किया था 2 साल पहले कि हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे। अब सरकार का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है तो सरकार को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए था। और अगर आंदोलन किसान कर रहे हैं तो बजाय किले लगा देना, उनको रोकना, बैरिकेडिंग लगाना, पुलिस बल प्रयोग करना, उनकी आवाज़ को दबाना, उससे बेहतर होता उनको बुलाकर उनसे वार्ता करते और इस समस्या का समाधान ढूंढते। मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों के साथ उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं लेकिन जुमलाबाजी हुई है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। विपक्ष की चाल बता रहे हैं, इतने सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में पूरे अलग अलग राज्यों से किसान आंदोलित क्यों हैं? इस पे कांग्रेस तो उनको एक नैतिक समर्थन करती है क्योंकि उनकी मांग से हम सहमति रखते हैं, लेकिन ये किसानों का आंदोलन है, इसमें राजनीति कोई नहीं है। सरकार को जिद छोड़नी चाहिए, किसानों की मांग मांगनी चाहिए और जिस प्रकार का बल प्रयोग कर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि देश भर में एक बार फिर से हजारों किसान सड़कों पर उतर आए हैं। एमएसपी और कर्ज माफी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त एक्शन की मांग को लेकर पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। फिलहाल किसानों का काफिला पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर है और पुलिस के साथ प्रदर्शनकारी किसानों का घमासान लगातार जारी है। किसान नेताओं और केंद्र के बीच बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा, ये गैर राजनीतिक संगठन है, इन्होंने किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर और जींद बॉर्डर पर पंजाब के किसानों की हरियाणा पुलिस संग काफ़ी झड़प हुई। पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर जंग का मैदान बन गया और चारों ओर आंसू गैस के गोले से धुआं धुआं हो गया था। आज दिल्ली कूच करने के लिए शंभू बॉर्डर पर किसान जद्दोजहद कर रहे हैं और इधर राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर भी काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था की गई और इसके साथ ही बहुस्तरीय अवरोधक, कंक्रीट के अवरोधक, लोहे की कीलों और कंटेनर की दीवारें लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। किसानों के इस आंदोलन पर आपकी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।